السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون وسيترى بعلم اللغونِ بھی کہا کہ الله تعالى هم سے باتیں کیوں या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती उसी तरह ऐसी ही बात उनके अगलों ने भी कही थी उनके और उनके दिल यकसा हो गए हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी नजर के किराम ये अल बकरा की आयत नंबर 118 है। अल्लाह ताला ने इल्म से दूर जहालत में रहने वालों का जिक्र किया कि बेल्म ये कहते थे कि अल्लाह हमसे डायरेक्ट क्यों नहीं बात करता कितने लोग होते हैं किब्र गोर में किसी की बात नहीं सुने फला वो के फला आदमी उससे क्यों नहीं बात करता ये कुफार और मुश्तिन अल्लाह के बारे में यह बात कहते थे कि अगर ये पैगाम रसालत है पैगाम हिदायत है दावत हक है तो आपकी क्या जरूरत है अल्लाह हमसे डायरेक्ट बात करें हम ईमान लेके आएंगे औोना आय या कोई निशानी ले करके आए तो अल्लाह ने कहा कि सुनिए ये तो ऐसे ही हैं जैसे इससे पहले जो लोग थे अपने नबियों से निशानियां तलब की और अपने नबियों से इसी तरह की डिमांड किया करते थे तो कुफ्र करने वालों के दिल यकसा होते हैं जैसे ईमान वालों के दिल यकसा होते हैं कुफर करने वालों के दिल यकसा होते हैं और रसूलों की सच्चाई पर वो इस तरह की बातें किया करते हैं फिर कुरैश ने अल्लाह के रसूल के सामने कुछ अपनी राय भी पेश की अल्लाह ने उसका जिक्र किया फरमाया वकाल मिन तफ जो मिनल अम्बूआ हम तो उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे कि जब तक आप ज़मीन से चश्मे न जारी कर दें या इस तरह से आसमान और ज़मीन से मोजे तलब करते और चांद के टुकड़े करने का मुतालबा करते अलग अलग अंदाज में वो आपसे निशानियां तलब करते थे कि इसके बगैर हम ईमान नहीं लाने वाले हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कोई नई चीज़ नहीं है काफिरों के दिल काफिरों ही से मिलेंगे चाहे मौजूदा दौर के काफिर हों चाहे पिछली कौमों के कुफार हों जैसे आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं ना, तो आज के बुत परस्त और आहदे रसालत के बुत परस्त दोनों की सोच और नज़रिया एक ही, ही होगा तशा बहत हम, उनके दिल एक दूसरे से मिलेंगे उनके नज़रियात मिलेंगे सोच मिलेगी इसलिए कि कुफ्र की सोच यकसा होती है और वो इस तरह के मुतालबात किया करते हैं दिलों की जो सोच होती है जब उसमें शिरक या कुफ्र भर जाता है तो ये दिलों की गंदगी होती है अल्लाह के अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन अलाविल जैसा इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा होता है जब वो टुकड़ा सही रहता है तो पूरा जिस्म सही रहता है जब वो टुकड़ा बर्बाद और फासिद हो गया खराब हो गया तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है और वो टुकड़ा दिल है इंसान का जब दिल सही है तो जबान भी सही रहेगी दिल सही है तो हाथ पैर भी सही सम्त में जाएगा और दिल सही है तो सोच और दिमाग में आने वाली चीजें भी अच्छी सोचेगा यानी दिलों की इसलाह पर सब कुछ डिपेंड है सब कुछ दिलों से जुड़ा हुआ है तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए जब दिल और दिमाग में बुत खाना है यही दिल ही बुत खाना बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उससे कुफ़्र शर्क ही टपकेगा जबान से और हाथों से पैरों से तो दिल की सलामती जरूरी है कुफार के दिल मुशरकिन के दिल एक दूसरे से मिलते थे चाहे वो मर गए हों चाहे जिंदा हो सोच और फिक्र एक ही जैसी रहती है इसीलिए आप देखिए दुनिया की वो जालिम कौमत जिन्होंने जुल्म किया है आज के जालिमों की सोच फिक्र इस्लाम या मुसलमानों को मिटाने की सोच उन्हीं से मिलती जुलती बुत परस्तों की सोच जो है आज के बुत परस्तों की मशरकिन अरब से मिलती है और उनके मुतालबे और डिमांड भी उसी उन्हीं लोगों से मिलते हैं तो अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया कि सुनो ये चीज़ें तो हैं लेकिन हमने अपनी निशानियां इतनी वाज तौर से बयान कर दी कि कोई ईमान व यकीन रखने वाला है तो फिर उसके लिए निशानियां काफ़ी है ये शक व पैदा करेंगे लेकिन ईमान और यकीन वाले के लिए हमारी निशानियां काफी हैं इसीलिए आप देखिए कि मुलहिद या मुनकिर को मुनकिरी ने सुन्नत को मुनकिरी ने शरीयत को कभी दीनी बातों पर इत्मीनान नहीं होता लेकिन जिसको इत्मीनान होता है वाकई उसे सुकून मिलता है वो मुतमइन हो जाता है कह दिया गया कुरान ने कहा है नबी ने फरमाया खत्म उसके आगे कुछ नहीं बोलता मुलहद और दहरिया बाल खाल निकालेगा अपनी काबिलियत बयान करेगा कल्ला बल राबून दिलों पर जब जंग लग जाता है तो वो जंग जब जबान से जाहिर होता है किरदार से जाहिर होता है उसका जिक्र अल्लाह ने किया तो इस आयत से जो चंद साबित होते हैं अल बकरा की आयत नंबर एक सौ अट्ठारह से पहला मसला कुफ् और मुरहिदीन कि सोच हमेशा एक जैसी रही है दुनिया जब से बनी मुशरक जो भी है मुशरकिन की सोच एक जैसी रही है और दूसरा जो मसला साबित होता है इस्लाम और शरीयत का या रसूलों का दुश्मन झूठा इंसान होता है किसी आदमी के झूठे होने के लिए यही काफी है कि वो पैगंबरों को लाए पैगम्बरों को झुटलाने वाला कभी सच्चा नहीं हो सकता अल्लाह के कलाम को झुटलाने वाला कभी सच्चा नहीं हो सकता अल्लाह के कलाम पर जिसको इत्मीनान न हो उसे कभी इत्मीनान और सुकून नहीं मिल सकता हक्कत इदीन हक़तम करबिक वम कुल्लु ये वो बदनसीब है कि जिन पर जब अल्लाह के डंडे का आजाब का फैसला हो जाता है ना फिर उनके लिए वो क्या करेंगे अब तो वो उसी में उनको जलना है मरना है कटना है तो ये दूसरा मसला साबित हुआ उनका झूठा हो रहा तीसरा मसला जब इंसानों के दिल एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी जबान भी एक दूसरे से मिलेगी सौ साल पहले का काफिर और मुशरिक जो जबान मुसलमानों के तलुक से इस्तेमाल करता था आज का भी काफिर और मुशरिक वही जबान इस्तेमाल कर रहा है दो सौ साल पहले का मुलहिद जो बातिल नजरियात पेश करता था आज मुलहिद और मुशरक आज भी वही नजरिया पेश कर रहा है क्योंकि उनके दिल जब मिलते हैं तो जबान एक होती है उनका उनका जो है फैसला एक होता है तशा बहत क्लोबह चौथा मसला इंसान का जिस्म उसके दिल के ताबे होता है जिस्म की कोई हैसियत नहीं है जिसम का ताल्लुक दिल से जुड़ा हुआ है जिसम दिल में जो हरकतें चलती है आप देखिए थोड़ा सा खून की हरकत रुक जाती है तो ब्रेन हेमरेज हो गया अटैक हो गया मर गया पूरे जिसम के खून 24 घंटे सप्लाई होते रहते और फिर दिल उसका जो है फिल्टर करता है खून को जिगर फिल्टर करता है अब अब मेडिकल की पूरी दुनिया इसी पर कायम है तो दिल से ही सारा मामला कंट्रोल होता है कंट्रोल पावर दिल है पांचवा मसला जो इस से साबित होता है कुफार चाहे मौजूदा हो या बाजी के हों उन तमाम के आमाल भी एक ही हैं जिस तरह उनकी सोच और फिक्र एक है उसी तरह उनके आमाल और अकायदों नज़रियात और किरदार भी एक ही हैं छठा मसला जो शायद से साबित होता है कि अल्लाह ताला अपनी निशानियों को इतनी वजाहत से बयान कर देता है ईमान लाने वालों को अमल करने वालों के पास किसी शुभे की गुंजाइश न रहे जितना शुभा पैदा करेंगे ना अल्लाह उससे ज्यादा वजाहत से हक को वाज कर देता है जो ईमान रखना चाहते हैं यकीन रखना चाहते हैं उनके लिए निशानियाँ वाज तौर से अल्लाह तयान कर देता है अपने रसूलों के जरिए सातवा मसला जो शायद से साबित होता है कि जितना ज्यादा इंसान का यकीन मजबूत होगा शको शुभ के बादल उसके पास नहीं आएंगे शको शुभ नहीं आएगा उसके पास ईमान वालों की कैफियत अल्लाह ने बयान की और मुनाफिकिन की कैफियत अल्लाह ने बयान की ईमान वालों का मामला था कि वह इदा तुलियत अलैहिम माया तो हम ईमाना जब उनके पास अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती तो उनका ईमान बढ़ जाता आप तजर्बा कीजिए कुरान पढ़िए आले इल्म की मिलिस में बैठिए नेक लोगों से मिलिए आपका ईमान का गिरा बढ़ जाएगा आप गाना सुनिए शराबियों के साथ बैठिए गाली गुरुज के साथ बैठिए देखिए आपका ईमान घटता हुआ नजर आएगा व इन जीत सूरत ही ईमाना जब कोई सूरा उतरती थी तो बतौर मज़ाक भी वो पूछते थे किसका ईमान बढ़ गया फरमाए कि फ अम लदीना अमन वजादत ईमाना वहम ईमान वालों की सिफत और उनकी पहचान कि जब अल्लाह का कलाम उतरता सुनते तो उनका ईमान बढ़ जाता और एक दूसरे को उसकी बशारत देते खुशखबरी सुनाते नेक अमाल पर कबूलियत की दुआ देते इसीलिए ईदलफित्र के दिन ईदेन से जब निकलते थे साहब के राम तो एक दूसरे को दुआएं देते तकबल अल्ला वनकुम अल्ला हमारी और तुम्हारी जानब से कबूल कर ले ये रोज़े ये नमाज ये तराबी ये तिलावत ये इबादत, इबादत कबूलीत की दुआ ये बशारत है वमदी नफ़ी क़ुलब हम मदजादतम व मतु वम का फिर और जिनके दिलों में मरज है गंदगी है तो उस मरज़ की वजह से वो गंदगी बढ़ती जाएगी बीमारी बढ़ती जाएगी और वो कुफ़्र पर बढ़ते हैं ईमान है तो वो अलग लज्जत है बीमारी और कुफ्र है तो वो अलग एक मुसीबत है तो सातवां जो मसला साबित होता है कि ईमान रखने वालों के लिए यकीन और ईमान नेमत है मरीज के लिए उसकी बीमारी और मुसीबत और बढ़ेगी आठवां जो मसला इस हाथ से साबित होता है वो ये कि अल्लाह का कलाम सुन करके हमेशा लोग दो किस्मों में बट गए आदे रसालत में भी अंबिया जो उससे पहले आए जो किताबें लाए उस दौर में भी और आज भी कुरान को सुन करके सुन्नत को सुन करके हक बात को सुन करके लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं वो कौन से लोग हैं पहली किस्म जो इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और यह सबसे अला किस्म है और उसकी पाबंदी करते हैं मसलन अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सई बुखारी की रिवायत है कि जिसने रात को सोते वक्त या रात में आयतल कुर्सी पढ़ लिया तो मुस्तकिल जब तक सुबह नहीं हो जाती शैतान उसके करीब नहीं आता और एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है अब जाहिर सी बात है कि जिसका इस पर ईमान होगा ईमान और यकीन के साथ आयतल कुर्सी पढ़ करके वो सोएगा उसे यकीन है कि फरिश्ता हिफाजत करेगा शैतान करीब नहीं आएगा जिसका ईमान और यकीन नहीं कहेगा लाओ मैं भी तजुर्बा कर लेता हूं मैं भी देखता हूं मैंने तो पढ़ा तो कुछ नहीं हुआ ईमान व यकीन ही फायदा देगा किसको अमल करने वाले को बगैर ईमानो यकीन के कोई अमल करेगा मजाक के तौर पर तजर्बे के तौर पर कोई फायदा नहीं पढ़ने की फजीलत है जहां जिस दुआ की फजीलत है ने की आप ने फरमाया कि जब कोई घर से निकलता है और कहता है कि बिसम तब यह दुआ पढ़कर निकला तो उसके लिए आवाज़ दी जाती है कि हदी व वकी व कोफ़ी त व तना शैतान कि जा तेरी रहनुमाई की गई तेरी किफ़ायत की गई तेरी हिफाजत की गई और शैतान उससे दूर भाग जाता है तो इन दुआओं और अजकार को ईमान व यकीन के साथ पढ़ने वाला ही इनकी लज्जत को पाएगा और जो शक् व शुभे में है वो उसी तरह के शकु शुभे में रहेगा और उसके दिल की गंदगी बढ़ती जाएगी तो फरमाया अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ तशाबहत क़लूब हम कब बल आया ते कौम यू कन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान और यकीन की पुख्तगी और सलामती के साथ अजकार और आमाल साल के देही की तोफ़ी अता फ़रमाए ई ईमान के बग़ैर आपने कुछ किया पढ़ा तो मेरे भाइयों न उसके लज्जत पाएंगे न फ़ायदा पाएंगे बल्कि शबहत के बादल घेर लेंगे आपको अल्लाह हमें यकीन की पुख्तगी और सलामती फ़रमाए आमीन वह नबी महम्मद वही वस नाजरीन कराम हमारे साथ जुड़े रहने का सुनने का तशरीफ़ रखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आप पर अपने रहमत नाजिल फ़रमाए आप हमारे साथ बने रहिए इन शरीब सूर्य बकरा की आयत नंबर एक सौ उन्नीस के साथ हमारी हाजिरी होगी जब तक के लिए इजाज़त दीजिए असल वरहुल्ल वकू